हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मज़हर अहमद। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मी 12 प्रो प्लस के बारे में। ये अभी हाल ही में न्यूली लॉन्च फ़ोन है, तो कर लेते हैं हम सबसे पहले इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। इस फ़ोन के अंदर हमें हमारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, एक 67 वोल्ट का एडेप्टर देखने को मिल जाता है, USB 2 टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, एक TPU केस जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया गया है वो देखने को मिल जाता है, और एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बिल्ट इन डिज़ाइन की। इस फ़ोन में हमें बैक लेदर का देखने को मिल जाता है और प्लास्टिक की स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। ये सर्कल वाली डिज़ाइन भी प्लास्टिक की ही दी गई है। और इस फ़ोन के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ये फोर्थ वाला जो सेक्शन है ये ओनली 100 पीस के लिए दिया गया है। और साइड फ्रेम्स भी हमें प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड हमें पूरी क्लीन देखने को मिल जाती है और राइट साइड में हमें एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। इसी के ऊपर हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन स्कीज देखने को मिल जाती है। और टॉप में हमें एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और एक स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि सराउंडिंग साउंड में हेल्प करता है। और बॉटम में हमें एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। इस सिम ट्रे में आप डुअल नैनो सिम ही इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। और इसी के पास में हमें एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में हमें पंच होल कटआउट के साथ में मिडिल में एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है और इसी के ऊपर हमें ईयर स्पीकर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में हमें 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसमें बेजल्स भी काफ़ी कम दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की बिग डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि इसका रिजोल्यूशन है फुल HD प्लस का। और इसमें हमें OLED पैनल देखने को मिल जाता है। ये डिस्प्ले 10 बिट को सपोर्ट करती है और इस फ़ोन की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है और 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करती है। और इस फोन में हमें मैक्सिमम जो ब्राइटनेस है वो 500 निट्स ही दी गई है। एक्चुअल में जो अभी फोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें 1200 निट्स से लेके 1500 निट्स तक इजीली मिल जाती है, लेकिन रियलमी ने कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में इस फ़ोन के अंदर ओनली 500 निट्स ही दी है। मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि इसमें किस प्रकार की प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें कोरिलिंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है। और यह फ़ोन 34,000 में मिल रहा है, 12/256 GB वेरिएंट, तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। इस प्राइस में कम से कम कोरिलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन तो दे ही देनी चाहिए थी। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि ये काफ़ी हद तक स्नैपड्रैगन 778 के सिमिलर ही परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो ये भी कोई एक प्राइस, जिस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च हुआ है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें इतना कोई खास प्रोसेसर नहीं दिया गया है। और इस प्रोसेसर की प्राइमरी क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz की और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है 1.95 GHz की। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरा सेटअप के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 MP का हमें प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, सेकेंडरी कैमरा में 8 MP का देखने को मिल जाता है और 64 MP का टेलीस्कोप सेंसर भी हमें देखने को मिल जाता है। 50 MP के कैमरे में हमें 1.8 एपर्चर देखने को मिल जाता है। ये हमें सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है IMX890 और हमें ये 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा 2.2 एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है और हमें 64 MP का टेलीस्कोप कैमरा 2.4 के एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। ये ओमनी विजन 112 डिग्री के सपोर्ट के साथ में आता है। और इस फोन में हमें फ्रंट में 32 MP की फ्रंट सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। यह भी सोनी का सेंसर दिया गया है IMX615, इसका एपर्चर है 2.4 का। बात कर लेते हैं इस फोन के नेटवर्क टाइप के बारे में। इस फोन के अंदर हमें 2G 3G 4G 5G सभी बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है।
इस फोन के अंदर हमें टाइप सी USB 2.0 का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट चीज है। इस प्राइस के अंदर कम से कम कंपनी को USB 3.0 पोर्ट तो दे ही देना चाहिए था। और इस फोन के अंदर हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का देखने को मिल जाता है, और इस फोन के अंदर हमें वाईफाई वर्जन 5 देखने को मिल जाता है, और ये एक डुअल बैंड वाईफाई है। इस फोन के अंदर हमें इंफ्रारेड सेंसर और NFC सेंसर भी देखने को नहीं मिलते हैं, और इस फोन के अंदर हमें बेसिक सेंसर सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जियोमेट्रिक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 के साथ रियलमी UI 5.0 को सपोर्ट करता है। इसके ऊपर रियलमी UI की लेयर लगी हुई है, और इस फ़ोन के अंदर हमें इस फ़ोन की PPI 394 की PPI देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन काफ़ी डिसअपॉइंट है। ये जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, उस हिसाब से इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेसिक फीचर्स दिए गए हैं। और इस फ़ोन के अंदर हमें 5000 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये फ़ोन ओनली 67 फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। अभी जो जितने भी इस प्राइस पॉइंट पर फोन्स आ रहे हैं, उनमें अगेन काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट चार्जिंग दी गई है। और इस फ़ोन के अंदर हमें UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव्स तो थे सही, लेकिन इन्होंने स्टोरेज अच्छी क्वालिटी की दी है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डायमेंशंस के बारे में। इस फ़ोन की विड्थ हमें देखने को मिल जाती है 74.02 mm की, और हाइट इस फ़ोन की हमें देखने को मिल जाती है 161.47 mm की, और डेप्थ इस फ़ोन की हमें देखने को मिल जाती है 8.75 mm की, और टोटल ओवरऑल वेट हमें इस फ़ोन का देखने को मिल जाता है 196 grams का। और इस फ़ोन के अंदर हमें 1 year की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देखने को मिल जाती है, और 6 month की हमें एडेप्टर और केबल की वारंटी देखने को मिल जाती है। और कवर लगाने के बाद में ये फ़ोन कुछ इस प्रकार का दिखता है। और गाइस, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ मेरे सभी व्यूअर्स से, कि जब भी कंपनी अपने फ़ोन के अंदर ओरिजिनल कवर प्रोवाइड करवाती है, तो कम से कम वही ओरिजिनल कवर यूज़ किया करें, क्योंकि कंपनी अगर ये कवर बना रही है ना, तो कुछ सोच समझकर ही बनाती है, और टेस्टिंग करने के बाद ही प्रोवाइड करवाती है। इससे आप मार्केट से जो 100-200 रुपए वाले कवर लेते हैं ना, तो उसमें इतनी प्रोटेक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको ये कवर पसंद नहीं आता है, और अगर आपको प्रॉब्लम है कि ये जल्दी येलोइस हो जाते हैं, तो आप किसी कंपनी रेपुटेड कंपनी का ही कवर बाय करें, क्योंकि जब आप इतने पैसे खर्च करते हैं किसी एक फ़ोन के ऊपर, तो कम से कम कवर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ही लगा कर रखें, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का कवर लगाएंगे गाइस, तो यह आपके फ़ोन के लिए ही अच्छा है। अगर आपका फ़ोन गिर भी जाएगा, तो ये टूटने से बच जाएगा। तो बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। यह फ़ोन 34,000 का 12 GB रैम 256 GB के साथ में, और इसमें हमें दूसरा वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ में। इस फ़ोन के अंदर हमें 3 color ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यह फ़ोन कैसा है, अगर एक लाइन में मैं बताना चाहूँ, तो यह फ़ोन फुल्ली ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि जो ये फ़ोन ऑफ़र कर रहा है गाइस, वो मतलब बेसिक ही चीज़ें ऑफ़र कर रहा है। और यहाँ तक कि इसके जहाँ कंपटीशन में अगर हम अदर फ़ोन देखते हैं, इस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 13 प्रो 5G के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, और प्राइस जब आप देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप से मतलब 7,000 से 8,000 रुपये एक्स्ट्रा रियलमी चार्ज कर रहा है। और वहीं इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले भी 1.5K का देखने को मिल जाता है, वो भी सुपर एमोलेड। 1.5K का डिस्प्ले रियलमी ने नहीं दिया है, और ना कहीं मेंशन किया है। और इस फ़ोन के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की विक्टस प्रोटेक्शन दी गई है आगे और पीछे, तो मतलब, और जो बेजल से ये प्रोवाइड करवा रहा है ना गाइस, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है।
और तो और सेम ही प्रोसेसर दे रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, और ये भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए गाइस, ये भी सेम प्रोसेसर प्रोवाइड करवा रहा है और 1.5K AMOLED डिस्प्ले भी प्रोवाइड करवा रहा है। और इस फोन के अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और डॉल्बी विजन, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पर यह फोन आ रहा है गाइस, रियल मी 12 प्रो से तो 100 टाइम बेटर फोन है ये। अगर मुझे मेरे लिए फोन बाय करना हो तो मैं रेडमी नोट 13 प्रो 5G के ऊपर ही जाना पसंद करूंगा। चलिए गाइस, इसमें भी हम 256GB वेरिएंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मतलब अच्छे से मतलब इसका कंपैरिजन होगा। इसमें हम 12 और 256, 12GB रैम 256GB भी है तो भी हम 4000 सेव कर रहे हैं गाइस, और उसमें बैंक डिस्काउंट तो अलग है, और रियलमी से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। अगर आपको मतलब कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन नहीं चाहिए तो ये हर एक चीज़ में रियलमी 12 प्रो प्लस से मच मच बेटर फ़ोन है। ये देख सकते हैं आप, ये 8GB वाला है, ये 12GB रैम वाला सेलेक्ट करता हूँ मैं। देखिए आप, 4000 का डिफरेंस आ रहा है दोनों फ़ोनों के अंदर। ये देखिए गाइस, सेम रैम सेम स्टोरेज, अब प्राइस आप खुद ही देख लीजिए। इस फ़ोन के अंदर मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है, कम से कम डिस्प्ले तो 1.5K का इन्हों को दे ही देना चाहिए था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे डिस्प्ले में कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, जहाँ मतलब अदर्स ब्रांड मतलब 5100 मिली एम्पियर तक जा रहे हैं अब स्पेसिफिकेशन बढ़ाने के लिए, तो वहाँ ये आज भी 500 मिली एम्पियर भी पे ही बैठा हुआ है, ठीक है। और रेडमी 5100 मिली एम्पियर की मतलब डिस्प्ले में रेडमी बेटर है, ठीक है, बैटरी में रेडमी बेटर है, चार्जिंग स्पीड में भी रेडमी बेटर है, और प्रोटेक्शन में भी रेडमी बेटर है। तो मुझे तो ये फ़ोन इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको यह फ़ोन कैसा लगा है। इस फ़ोन के अंदर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत सारी कमियां हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं गाइस कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने मिलने वालों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई डाउट रहा हो इस वीडियो में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।